हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ मलाई तिल वाले लड्डू, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए, उससे पहले आपको प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ का मज़ा ले सकें। सो वेलकम टू माई चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से अब हम अपनी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले इस पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें थोड़ा सा घी डाला है और घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें अपने और पहले मैं घी को चारों तरफ पैन में लगा लूँगी, जिससे कि हमारे सारे जो इसमें हम तिल डालने वाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो सके। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अपने ये तिल, मैंने सफ़ेद तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो ये मैंने सफ़ेद तिल लिया हुआ है, इसको मैंने अच्छे से मतलब साफ़ कर लिया है, धोया नहीं था, मतलब पहले से ही अच्छा था, कंपनी का था, तो मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा वाइट सा इसमें भी निकलता है ना, तो मैंने अच्छे से साफ़ टॉवल से इसको क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं इसको भून रही हूँ। इसको भूनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 से 6-7 मिनट लगेंगे, बट आपको मेक श्योर कि आप बिल्कुल स्लो गैस पर ही इसको भूनें, आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत भूनिएगा। इसको देखिए, मैंने भून कर अब एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये प्रोसेस बहुत फटाफट से हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन लड्डू को, अगर आपने मन में सोचा तो आप बना भी लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से अगेन घी गर्म किया है और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी आटा, और बस 1.5 कटोरी आटा है ये, और बस इसको भी मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। और आटे को भूनने में भी मुझे करीब 15 मिनट लगे, क्योंकि इसको भी आपको बिल्कुल स्लो गैस पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत भूनिए, वरना ये मतलब ब्राउन ब्राउन जल्दी हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, तो लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। सो मेक श्योर कि आप इसको भी मतलब बहुत स्लो गैस पर भूनें और धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा। और देखिए, 7-8 मिनट के बाद मेरा कलर कुछ इस तरीके का हो गया है, लेकिन अभी हमें ये कलर नहीं चाहिए, हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। और देखिए, इसी तरीके से धीरे धीरे भूनने के बाद बिल्कुल से 15 मिनट के बाद देखिए मेरे आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और मुझे ऐसा ही चाहिए। और इसको प्लीज़ लगातार चलाते रहिए, और उसको गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी आपको 2-3 मिनट तक लगातार चलाते रहना है, क्योंकि हमारा जो भी बर्तन होता है वो हीट होता है, तो उसकी छोड़ देंगे तो फिर भी ये जल जाएगा, इसलिए आप मेक बंद मतलब बंद करने के बाद भी इसको थोड़ी देर तक चलाते रहिए, 1-2 मिनट तक। और बस उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेल, तिल और आटे को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसी में पैन में। अगर आपका पैन छोटा पड़ रहा है तो आपको इसी बड़े बर्तन में बनाइए, क्योंकि थोड़ा इधर उधर फैलने का भी वो होता है। तो देखिए, मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला दूँगी, और बस अब इसके बाद आपको इस, और देखिए मेरे तिल और आटा एकदम से अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मलाई। ये मलाई मैंने दूध को गाढ़ा करके बना लिया था, तो मैं इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ। और बस इस मलाई के साथ ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनते हैं, एक अलग तरीके का टेस्ट आ जाता है, जैसे खोए के बनते हैं ना, कुछ इस तरीके का टेस्ट आता है इसमें। तो प्लीज़ एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिए। और देखिए, इस तरीके से मलाई डालने के बाद मैं सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए, मेरा मिक्सर पूरा मिक्स हो चुका है, और अब मैं इसमें, मुझे थोड़ा ये छोटा लग रहा है तो मैं इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी, और इसमें जो छोटी सी डेली डेली सी भी हो रही है ना, जो मोटा मोटा सा हो रहा है, तो उसको मैं हाथ से क्रम्बल करते हुए इस तरीके से इनको फोड़ दूँगी। देखिए, अभी इसका बंद नहीं रहा है, तो अभी मेरे इसमें थोड़ा सा मैं कैरमलाइज डालूँगी, तो इसको मैंने किसी भी शुगर को थोड़ा सा पैन में डाला, 2-3 चम्मच आप जितना भी चाहो उतना ले सकते हैं, क्योंकि जाना उसी के अंदर ही है। तो मैंने यहाँ पर 2-2.5 चम्मच पिसी हुई शुगर ली, आप ज़रूरी नहीं है पिसी लें, मेरे पास पिसी हुई रखी थी इसलिए मैंने ली, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी डालना है, इसलिए मैंने 1/4 कप पानी ही डाला है, और बस अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, और बस इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये भी मतलब तले में लग जाती है। तो फटाफट से हम इसको चलाते रहेंगे, और बस 1 मिनट के बाद ही इसमें अच्छे से बॉइलिंग आ जाएगी, और बस बॉइलिंग के बाद हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है। तो देखिए, यहाँ पर लगाते लगाते देखिए मेरा भी थोड़ा सा नीचे लगने लगे हैं शुगर, तो इसको कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। तो बस इस तरीके से देखिए, मेरी भी थोड़ी थोड़ी सी पैन में नीचे लग रही है, तो मैं इसको भी कंटिन्यू चलाती रहूँगी, और बस फटाफट से, और देखिए अभी इसमें मेरी बॉइलिंग आ गई है, तो बस मैं इसको थोड़ा सा और 1 मिनट के लिए फटाफट से इस तरीके से घुमाते हुए पका लूँगी, जिससे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है,
तो बस अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, अब हम इसको अपने सीधे जो हमने बनाया है उसमें हम इस तरीके से डाल देंगे। इससे मतलब एक ये होगा कि लड्डू हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे, जो मतलब ठंडे होने के बाद भी हार्ड हो जाते हैं तो इस तरीके के हार्ड नहीं होंगे। और बस इसमें अब मैं थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, और इसमें मीठे का कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप शुगर कम भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कितना डालना है कितना नहीं। तो बस इस तरीके से मैं सारे को मिक्स कर दूँगी, और देखिए अभी जो मैं मिक्स कर दूँगी शुगर उसके बाद भी ये मुझे थोड़ा ड्राई सा लग रहा है। देखिए अभी इसके लड्डू बन नहीं रहे हैं, काफ़ी ड्राई सा है ये, ठंडा हो चुका है, ठंडे होने के बाद और ड्राई हो चुका है। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, और ये दूध एकदम रूम टेम्परेचर पर ही लिया हुआ है मैंने, तो बस इसको भी अच्छे से डाल दूँगी। और देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा सा ठीक होने लगा है, तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा दूध हमें जितनी नीड होगी हम उतना डालते चले जाएंगे, और इसको एकदम आटे से हमारा बनने लगे उतना हम इसको कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरा दूध डाल दिया है, मैंने थोड़ा सा खाली गिलास लिया था दूध का, तो इतना पूरा दूध लग चुका है इसमें। और देखिए अभी हमारे बनने लगे हैं, तो देखिए फटाफट से मैं इस तरीके से लड्डू बना लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारे लड्डू बन जाएंगे, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये तिल के लड्डू। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं सारे लड्डू, आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की यम्मी और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी लाती रहती हूँ। छोटा चैनल समझ के प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। थैंक यू।